डिंडीगुल जिला पलानी अरुपदा घर पलानी तीसरा घर मार्गराजी तेईपिरा भगवान मरुगा का षष्ठी व्रत भगवान मरुगा हजारों भक्तों द्वारा हिंदू देवताओं के सबसे पसंदीदा देवता है। भगवान मरुगा के लिए मुख्य रूप से तीन व्रत रखे जाते हैं। वे हैं वर व्रतम, नक्षत्र व्रतम और द्विति व्रतम। सप्ताह का व्रत मंगलवार को कृतिकेय नक्षत्र में किया जाता है। षष्ठी तिथि पर मनाए जाने वाले नक्षत्र व्रत को तिथि व्रत कहा जाता है। अगर मुरुगन तेईपरा षष्ठी का व्रत करे तो बहुत लाभ होगा। मार्गादी महीने में तेईपराई शास्त्याना 2 जनवरी व्रत के साथ भगवान मुरुगन की पूजा करने का एक शुभ दिन है। षष्ठी उस दिन को संदर्भित करती है जो चंद्रमा की गति के आधार पर कैलेंडर प्रणाली में 15 दिनों में एक बार आता है। इन दिनों को आमतौर पर तिथि के नाम से जाना जाता है। अमावस्या उस दिन और पूर्णिमा के बाद छठा दिन षष्ठी होता है। अमावस्या के बाद आने वाली षष्ठी को शुक्ल पक्ष षष्ठी ए वरपिराई षष्ठी कहा जाता है और पूर्णिमा के बाद की षष्ठी को कृष्ण भाचा षष्ठी ए तिपिराई षष्ठी कहा जाता है। जो लोग घर पर षष्ठी व्रत रखते हैं वह सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद मुरुगन की पूजा करते हैं और व्रत शुरू कर सकते हैं और पास के मुरुगन मंदिर में जा सकते हैं। दीपक या मिट्टी के दीपक जलाएं। उपवास के फायदे, यदि षष्ठी व्रत किया जाता है संतान प्राप्ति होगी, विवाह बाधा दूर होगी और धन में भी वृद्धि होगी, सोचा हुआ साकार होगा। यदि समस्याएं भी होंगी तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। इसके अलावा जब हर दिन हजारों भक्त भगवान मुरुगन के दर्शन करने आते हैं तो भक्तों के अनुसार पलानी क्रिवाला पथ पर स्टॉलों और फेरी वालों का अतिक्रमण भक्तों को परेशान कर रहा है।